नमस्कार, मैं पीजी न्यूज से जय पांडे और इस समय जो मैं पीड़ित परिवार जो है 3 सालों से परेशान है और उनका मकान जो है बारिश में गिर चुका था और गिरने की वजह जो था बगल में घर के बगल में नाला था, नाले में पानी भर जाता है जिसको इससे मिट्टी कटने की वजह से उनका जो है दीवार गिर गई थी और यह परिवार जो है पिछले 3 सालों से जो है परेशान है और खुद का घर रहते हुए भी दूसरों घरों में या दूसरी जगह रहते हैं। यह परिवार है, इनसे हम बात करेंगे। यह मैं बता दूं आपको कि यह मकान जो है 2 रूम का था, 2 रूम यहाँ पे थी और यहाँ पे जो है ये लोग रह रहे थे, लेकिन अब इस समय कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे एक भी परिवार नहीं रह सकता। कंडीशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो खुला हुआ है, ये खुला नहीं था, यहाँ पे एक दीवार थी, दीवार होने की वजह से जो है यहाँ पे ऊपर पतरा था और ये 2 लोग परिवार रह रहा था, लेकिन यह परिवार आज जो है पिछले के घरों में रहने के लिए मजबूर है और इनको किसी भी प्रकार की जो है मदद नहीं मिली है सरकार की तरफ से। इन परिवार से हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी समस्याओं को। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है मतिया जगन सुंदर। कब आपका दीवार कितना साल पहले गिरा हुआ है? ये मेरा 3 साल के पहले बारिश के समय पूरा पानी भरकर और अपना पूरा मट्टी सब बिगड़ कर हरिया हो गया, 3 साल के ऊपर हो गया, 2021 में। तो जब ये मकान गिरा था तो कुछ लोग आए थे क्या आपके घर पे? मकान पहले गिर गए थे, मकान गिर गए थे पहले उसी रात में, उसी वक्त में अपने अध्यक्ष मनीष तिवारी भाई साहब ने आया, तुरंत देख रहा था और हमारे सुविधा करने के लिए उन लोगों ने क्या बोल रहा था कि आपको इस वक्त में क्या चाहिए, आपकी मदद में क्या करूँ, ऐसे कि बता रहा था कि अभी आपको मैं ये घर सुविधा होने तक, आपको दूसरा घर मिलने तक मेरे मकान आपको मैं देता हूँ। मैंने बोला कि और एक अन्ना जी था उनके घर भी खाली था, उन लोगों ने बोला मैं भी मेरा घर दे रहा हूँ। उसी वक्त में मैंने क्या बोल रहा था आपके मनीष साहब को, नहीं साहब इनके घर है मैं ले लेता हूँ। और उसी वक्त भी मनीष तिवारी साहब ने बताया कि कुछ पैसे के लिए मदद चाहिए तो भी बोलो, मैं 10,000 तुरंत आज इसी वक्त। मैंने उनको तब बताया कि पैसे की ज़रूरत अभी नहीं, जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं आपसे तब पूछ के लेता हूँ करके। उसके बाद दोबारा दूसरा दिन में सही बाद में उसी रात में सबको सब डिपार्टमेंट वाले सब आके फिर तोड़फोड़ करके यहाँ देने का इतना सुविधा है ही नहीं करके उन लोगों ने बता के गया। उसके बाद सुबह अपने प्रकाश गंगा दे रहे उन लोग, अपने मनीष तिवारी, अपने BMC के बड़े बड़े लोग सब आए थे और दूसरे दिन उन लोग भी आए थे और कलेक्टर साहब सब कुछ आके यहाँ का सुविधा करके आपको पुलिस डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट मानाकर पालिक में जितने डिपार्टमेंट थे उन लोग सब जब मेरे घर को जाके देखे गए थे। हर वक्त सब हरिया होने के बाद ऐसे नहीं कि एक डिपार्टमेंट ने नहीं आया, क्योंकि हर डिपार्टमेंट महानगर पालिका में जितने भी है सब जाने आके देखे कलेक्टर साहब तक। बाद में प्रकाश गंगाधर ने हमसे वादा करके गया कि तुम्हारा सुविधा होएगा, हम घर सब बनाने की हम तैयारी में, तुमको हम चिंता मत करो ऐसा करके बोल के गए थे। अच्छा, जब ये ऑफिसर लोग आपके यहाँ पे आ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था कि अब मेरा घर जो है दीवाले फटाक से बन के मिल जाएगी, ऐसा आपको महसूस हो रहा था? महसूस ऐसा हो रहे थे हकीकत में, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जो अभी अपने पिक्चर कैसे चालू देते थे, जो धूमधाम पिक्चर में जाते वो हाड़ वाड़ मारते और सब कुछ करते से हर बात आते ऐसे पिक्चर की तरह रात में से लेके सुबह तक एक एक डिपार्टमेंट ऐसे लगे कि मेरे को मेरे दिल से ऐसे लगे अपना काम एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, इतने इन लोगों ने सुविधा करे महानगर पालिका सब कुछ आ रही एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा ऐसा करने के समय वैसा ही इन लोग सब ऐसा दिखाया। बाद में थोड़ा बाद में अपने नगर सेवक में बाद में इन लोग बताने के बाद एक दिन 4 दिन वो सब होने के बाद ये सब हरिया होने के बाद एक ऑफिसर महानगर पालिका से डिपार्टमेंट में आए थे, उन लोगों ने हमको लेटर दे के गया, वो भी मुझे पढ़ने के बिना ही, वो भी मैं पीछे था, उन लोग से पूछा थे हरिया हो गया उनका लड़का कहाँ से, बाद में पूछा था मैं सामने आया तो ये लोग आपको लेटर, मैंने पूछा कि ये काहे की, मैं कुछ पढ़कर नहीं आपको तुरंत घर मिल जाएगा करके इसमें लिखा हुआ तुरंत हमको साइन विन करके दे के। मेरे तभी मेरे बहन ने गाँव में ही था गिरने के समय, मैं और मेरे माँ था घर हरिया होने का हम बात थे, नहीं तो हम पूरा घर के अंदर ही मर चुके थे और लेकिन हम बात बाहर रहने के बस हम बच गए। ये पेपर सब देखे। अच्छा, ये जो पेपर टीवर्ट के द्वारा जो है आपको ऑफिसर आके जो दिए थे ये पेपर है घर हरिया अच्छा। होने के 4 दिन के बाद। अच्छा, ये पेपर है ईश्वरी मूर्ति काउंडर के नाम पे दिया हुआ है। आपका नाम है? ईश्वरी मूर्ति काउंडर। अच्छा, ये इनका नाम है, इनके नाम का लेटर जो है इनके भाई को ही दिया था इन्होंने और एक इनके माता जी के नाम पे लेटर दिया हुआ है। आप वो लेटर दिखाना। वर्ली सुंदरम वनियर। हाँ, ये है वर्ली सुंदरम वनियर, ये इनकी माता जी है।
ये इनके नाम पे ये लेटर है, मकान एक इनके नाम पे था, एक इनकी सिस्टर के नाम पे था, इसलिए दोनों लोगों के दिया गया था। ये रो रही है इस समय कैमरे के ऊपर क्योंकि ये परेशान है, 3 सालों से इनको जो है नया नहीं मिला हुआ है। और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा, ये लेटर में लिखा क्या है, क्योंकि ये मराठी में लिखा है और जो है मैं कहूंगा कैमरे पे भी दिखाएं जिनको मराठी आती हो, शायद स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं इस लेटर को। इस लेटर में मैं बता दूं लिखा हुआ है कि ये लेटर मिलने के 24 घंटे के बाद जो है इस मकान को खाली कर दिया जाए, अगर इस मकान को खाली नहीं करते हैं तो जीवितास और माल मत्ते मतलब जीवन और किसी माल का सामानों के अगर कुछ भी नुकसान होता है तो इसकी जवाबदारी जो है टी वार्ड प्रशासन की नहीं होगी, बीएमसी की इसकी जवाबदारी नहीं होगी। इस प्रकार से लेटर जो है इनको दिया जाता है, वो भी मकान के गिरने के बाद, मकान गिरने के बाद, और इस लेटर के ऊपर डेट भी नहीं दिया हुआ। मैं दिखाने कहूंगा कैमरे में दिखाएं, इस लेटर पे कहीं पे डेट नहीं दिया हुआ है किस डेट को ये लेटर दिया गया है। अगर आज भी अगर इस लेटर पे अगर आज का डेट डाल दिया जाए तो क्या इस लेटर को आज का डेट का माना जाएगा? इसलिए कभी भी अगर ऑफिसर्स या कोई भी किसी गरीब परिवार के साथ में किसी प्रकार की चीटिंग ना करें, क्योंकि यह व्यक्ति अगर ये बताना चाहे कि यह लेटर गवर्नमेंट ऑफिसर अगर दे के गए हैं कौन सी डेट में दे के गए हैं तो यह नहीं बता सकते। दूसरी चीज, इस लेटर के अगेंस्ट में जो है इन्होंने जो है अपने नगर सेवक प्रकाश गंगाधरी जी को इन्होंने जो शिकायत की थी, शिकायत किया था आपने उनको? ऐसे डिपार्टमेंट वाले ने हमको आया था, ये पेपर हमको देखे गए करके नगर सेवक प्रकाश गंगाधरी के पास वो पेपर दिखाने के समय में उन लोगों ने उसके ऊपर कारोबार लिया, ये इनके ऊपर अन्याय हुआ, ये माना नहीं चाहते करके बेंस के ऊपर उन लोगों ने कारोबार किया कि अच्छा। उन लोगों ने लेटर भेजा हुआ। तो प्रकाश गंगाधर जी के ऑफिस से जो है ये 4 अक्टूबर 2021 को जो है लेटर टाइप होता है और इसे जो है टीवर्ड आयुक्त के पास जो है 5 अक्टूबर 2021 को, मैं कहूंगा लेटर का इस टाइम पे दिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अक्टूबर 2021 को ये लेटर सबमिट किया जाता है सहायक आयुक्त के पास में। और लेकिन उस डेट से लेके 5 अक्टूबर 2021 से लेके आज तक जो है कोई भी मदद, किसी भी प्रकार की मदद इस परिवार को नहीं मिली है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद जो है इस परिवार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसकी जमीन, इस परिवार की जमीन को जो है यहाँ के टी वार्ड के ऑफिसर्स और यहाँ के कुछ जनसेवक प्रतिनिधि लोग जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बगल में शौचालय की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, यह शौचालय जो है और इसके बगल में गवर्नमेंट का शौचालय है महिलाओं के लिए, इन शौचालयों की कंडीशंस बहुत ही ख़राब थी, जिस जो कि मैंने वीडियोस डाला हुआ है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब इस शौचालय को फिर से जो है नया बनाने की प्लानिंग चल रही है, इसको गिरा के और टेम्प्रेरी शौचालय इनकी ज़मीन पर बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को यहाँ पे टेम्प्रेरी शौचालय बना के दे दिया जाए और उस शौचालय का काम किया जाए। सवाल ये इस परिवार का यह है, यह परिवार क्या कहना चाहता है इस चीजों पे, आप क्या कहना चाहते हो शौचालय के बारे में? मैं शौचालय के बारे में ये सरकार के और अपने जो यहाँ की जो अपने प्रकाश गंगाधर उनके कान में अभी तक गया वो सब मालूम है कि अपना आमदार यहाँ आग के गया, महिर कोटेजा आके भी गया, उनके साथ अपना अध्यक्ष भी था, मैं महिर कोटेजा उन लोग से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या शौचालय बनाने करके आपका ये किरान में आ गया, या अध्यक्ष भी मनीष तिवारी भी आपको बुला के लेके आए, जो भी उनसे ये सवाल पूछना जरूरी था कि ये जगह कैसे था, ये जगह ऐसा कैसा हुआ, ये तो आजू बाजू में घर है लेकिन ये ऐसा आपको कैसे ये जगह मिला, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। उनकी एक ही तरफ से उनका कहना गया और उनके दिल पे इच्छा है कि इनको कैसा भी बहाना बता कि इनको हटा दे और ये जमीन अपन इनसे लूट ले और लूट कर अपन यहाँ ही बना दे, इसको 7 महीने का कुछ ना बहाना बता के और पैसा की लालच बता के यहाँ से हटाइए, इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। मुझे 3 साल से इन लोग ने एक दीवार बांधने के लिए इनको इतना कोशिश नहीं किया, अब शौचालय बनाने के लिए मेरे जमीन लूटने के लिए इतना तड़प रहे हैं। आंटी से हम बात करेंगे, आंटी रो रही हैं और इनसे बात करें, आंटी आप मत रो, ये कहने का मतलब क्या है कि आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहोगे, आपके घर बन के मिल जाए आपको, क्या है? अरे नहीं जाएंगे, कुछ पैसे से या कुछ मदद आपको मिला था? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। और अभी बरसात और साथ में आप लोग कैसे रह रहे हो? अच्छा। अभी 3 साल तक यहाँ है, यहाँ सबको मेरे बंदे लोग को सबको मालूम है, आजू बाजू किसी से भी आप ले लो, आप कौन सा भी अधिकारी मेरे को आने सामने से बोलने दो, यहाँ ही था 3 साल के अंदर या
कितने गर्मी होंदो या दोपहर गर्मी बारिश होंदे में यहीं सोता था। अभी ये 7 महीने में मेरे बहन ने की कुछ कोशिश करके 12 में लेके गया, लेकिन 2 साल के अंदर मैं यहाँ ही 3 साल यहीं निकाला। 7 महीना मैं गांव गया था, उसी महल में मेरे बहन ने 1 बाड़ा में लिया के, बाकी समय यहाँ ही था। इन लोगों की इच्छा की कि अभी ये महानगर पालिका के अधिकारी का उस दिन उन लोगों ने माफ लेने के उस समय और अपने अध्यक्ष तिवारी उन लोग वो अधिकारी ने के बोलने का ढंग ऐसा है कि इनको नोटिस दे दिए ना हटाओ, और अपन कहना इन लोग मेरे जमीन में से खींचने के लिए चुराने चाहते है, मेरे को हटाना चाहते है। मेरे को न्याय मिलने से भी अलग चीज है, मैं ऐसे भी जमीन रहेगा तो मैं परवाह नहीं, मैं घर कैसे भी मनवा के लेगा। मेरे जमीन छीनने के लिए इनको अधिकार कौन दिया? मेरे को पूरा मैं पूरा 30 साल के मैं जन्म पूरा यहीं हुआ। इन लोगों ने बोला कि बिना गवर्नमेंट के सबसे बना हुआ है, बिना गवर्नमेंट के सबसे ये एरिया बना हुआ है, मेरे को बिजली कैसे दिया हुआ है? मैं वोटिंग कार्ड हूँ, मेरा आधार है, मैं सब कुछ, मेरा सब कुछ यहाँ लाइट बिल सब कुछ यहाँ से, मेरे जन्मदिन अभी तक ये 3 साल मेरा घर हरिया होने के बाद भी ये महीना तक मैं बिजली का बिल भरते आ रहा हूँ। वो बिजली का बिल तुम कैसे ले रहे हो? इतना सुविधा में करके आने की बात है, मेरे ऊपर इतना धोखाबाज हो रहे और मेरा जमीन खींचने के लिए इन लोग तक तड़प रहे। कहीं कहीं इन परिवार का जो है आरोप भी है कि इसी तरीके से रख के इनकी जमीन को कहीं कहीं जो है गवर्नमेंट सरकारी कामों में इस्तेमाल ना हो जाए इनके पर्सनल चीजों का, क्योंकि ये खुद जो है दूसरी जगह दर दर भटक रहे हैं और खुद का मकान होते हुए भी इनको किसी प्रकार की सहायता जो है आपदा फंड जो आते हैं सरकार के, इस फंड का भी इस्तेमाल इस गरीब परिवार के लिए नहीं किया गया है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इस परिवार के ऊपर ध्यान दिया जाए और इनको जो भी मदद पहुंचाई जा सकती है प्रशासन द्वारा, जो इनको सिस्टम द्वारा जो मिल सकता है वह चीजें इनको मिले। और यहाँ पे कुछ बहुत सारी वीडियोस भी है, मैं आपको इस मेरे क्लिप में दिखा दूंगा इसमें, और इसके पहले की किस हिसाब से इस परिवार इस घर की कंडीशन थी। और जस्ट बगल में भी एक मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये दीवार देखिए फाक है, ये गिरने की कंडीशन में भी, ये भी कभी 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 ना कभी ये भी जो है सरक जाएगा, ये भी गिर सकता है घर। तो इन चीजों को जो है रिपेयर बनाने और देख रेख की जरूरत है। टीवार्ड ऑफिसरों को इन चीजों का सर्वे करें और इन चीजों को सुधार करें ताकि कोई गरीब परिवार जो है बेघर ना हो सके। इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास करते हुए एक ग्राउंड रिपोर्टिंग सच्चाई दिखाते हुए एक परिवार की, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही बात 25 साल के पहले भी ऐसे एक बात हुआ था, तभी ऐसा बारिश से भी पहले भी थोड़ा हड़ बड़ के मेरा घर एक गाड़ी ने आके टूटा हुआ था, पूरा कच्चा उठाने के समय में उन लोग टाचिंग मार करके मेरा घर हिल के गिर गया। तभी उसी वक्त में थोड़ा 4 दिन के पहले ऐसा था, बाद में गिर गया। उसी वक्त में मेरे पिताजी ने किसी से भी यहाँ की कोई अध्यक्ष कोई नगर सेवक किसी से भी कोई मदद नहीं लिया। तुरंत उनके ध्यान में आया कि सरदार तारा सिंह के ऑफिस ने खुद जाए, उन्हें अपने जाके बताया कि ऐसे ऐसा मेरा हो गया कि उसके पहले चौकी मैडम के पास जाए, जो हम लोग ने अंदर का इतना ही बना के देंगे, ऊपर से नहीं बना के देंगे, तुम कुछ भी करके लो, ऐसा करके बोल दिया सरदार तारा सिंह के पास। उसी दिन गए तो उन लोग में तुरंत उसी रात में आए, तभी भी बिजली कुछ नहीं था, हवलदार को बाहर खड़ा करके उन लोगों ने खुद आए और देखा था। उसी दिन दूसरा दिन में से अपना विनायकम साफ करके, वो भी तमिल नहीं, उन लोग बिल्डिंग बनाने के काम पे, उन लोग से तरफ से इनको इन परिवार को काम शुरू करके दे दो करके 10 दिन के अंदर सरदार जी दयाल सिंह हमको करवा के दिया 25 साल के पहले। ऐसे हो सके तो इन लोग से भी हो सके था, लेकिन इन लोग ने जानबूझ के मेरे ऊपर धोखेबाज करके जमीन खींचना चाहते हैं और मेरे से लूटना चाहते हैं। कहीं कहीं परिवार का कहना है कि इसके पहले के जो MLA जो सम्राट सरदार तारा सिंह जो कार्य सम्राट जो उनको कहा जाता था, उनकी जो है इन्होंने एक तरह से तारीफ की। आज वो दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आज भी अगर हम कहीं जाते हैं तो उनके नाम सुनने के लिए मिलता है। जैसे ये गरीब परिवार जो है एक बार फिर से नाम लिया है सरदार तारा सिंह जी का, उस बता रहे हैं कि इनका एक बार और घर गिर चुका था जो कि सरदार तारा सिंह के दूसरे दिन ही इनके घर का बनाने का काम चालू कर दिए थे और 8 से 10 दिनों में जो है घर को फिर से दीवार खड़ा करके रहने लायक करके दे दिया गया था। यह लोग भी कर सकते हैं, जनसेवक प्रतिनिधि भी कर सकते हैं, आज के भी लोग कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 3 सालों से जो है इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। फिर से मैं कहूंगा मैं छोटा सा प्रयास करते हुए जय हिंद।